हमारी स्पार्कलेट्स 100% परसेंट प्योर एंड नेचुरल पाकिस्तानी बन के जियो पाकिस्तानी पियो मरी स्पार्कलेट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम उम्मीद है सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत होंगे हमारी दुआ होती है कि आप लोग सब जहां भी हों खुश खुरम और खुशहाल रहें सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम हमें अपनी कीमती आरा से बताते रहते हैं और हमारी गलतियाँ हैं उन, उनकी भी निशानदेही करते हैं साथ साथ में हमें नई चीज़ें भी बताते हैं बहरहाल हमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत गए हैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी यही कोशिश होती है आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें दें कभी नहीं होगा कि कल को दो शेयर उठा लो फ्लैश शेयर कर लो ये शेयर कर लो कल मार्केट कैसे बिहेव कर ले करेगी मार्केट डायनामिक्स की मैं आपको चीज बता दूं देखिए अगर मुझे पता हो कि मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करेगी या जितने भी इस यूट्यूब चैनल पे लोग हैं उनको पता हो कि मंडे को कितने मार्केट बिहेव करेगी तो मेरे ख़्याल है कि आधा पाकिस्तान उन्होंने खरीद लिया होता तो मार्केट कोई प्रडिक्ट नहीं कर सकता और मार्केट के अपने डायनमिक्स होते हैं तो प्लीज़ एक तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक और चीज़ जिसकी मैं तो आपको दिलाना चाहता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर अगर ऐसे हमने वीडियो बनानी हो तो हम 20 कंपनीज पर वीडियो बना के रोज़ यूट्यूब पे अपलोड करें तो भाई जान यही कहना था इतना आसान नहीं होता कंपनी के वकू देखने पड़ते हैं पास परफॉर्मेंस देखना पड़ता है अभी क्या कर रही है मार्केट कैसे बिहेव कर रही है मार्केट में ये शेयर कैसे चल रहा है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और कंपनी कौन लोग चला रहे हैं तो ये प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारे साथ बर्दाश्त किया करें इतनी जल्दी हम कमेंट और अपने वीडियो नहीं डाल सकते तो बहरहाल आज की कंपनी की तरफ आते हैं हम आपके लिए एक पुरजोर सरार पे जहांगीर सिद्धि कंपनी लेके आए हैं और ये चार में उन्नीस में रिपील्ड कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत अनकोटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी और बाद में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी इनकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है कि स्ट्रेटजिक एसेट्स ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा करती इनकी जो सी हैं वो सलमान ललानी साहब हैं इसमें चीफ जस्टिस महबूब आलम साहब भी हैं चेयरमैन हैं और सैयद अली हाशिम इसमें कंपनी सेक्रेटरी हैं कंपनी के हेड ऑफिस कराची में ट्वेंटी फ्लोर प्लॉट नंबर ट्वेंटी एट अब्दुल्ला हारून रोड सदर कराची रजिस्ट्रार सी डी सी हैं और ऑडिटर्स इनके हैं जी के पी एम जी अब अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे जाऊं क्या कहते हैं जुमे के दिन तो कंपनी का शेयर जो था वो ओपन हुआ फिफ्टीन रुपीज़ फोर्टी फ़ोर पैसेज पे हाई लगा पचास पंद्रह रुपये साठ पैसे लो पंद्रह पाँच बंद हुआ पंद्रह रुपये छब्बीस पैसे पे सत्रह पैसे माइनस था अगर आप परसेंटेज में देखें तो एक का शायद यह दस परसेंट था वॉल्यूम आप इसमें देखिए कि इसमें तीन लाख पंद्रह हजार पांच सौ था एक चीज जो मैं आपको यहां बता दूं कि इसका जो फिफ्टी टू का रेंज है कि सबसे नीचे प्राइस इसका साढ़े तेरह था और चौंतीस रुपए पर गई ये कंपनी गई है अब इसी कंपनी के रेंज से आपको पता लग जाएगा इस कंपनी में स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी है थोड़ा वॉल्यूम है और सट्टेबाजी है और कंपनी के जो बाकी डायनामिक्स वो मैं अगर आपसे शेयर करूं कि इक्विटी प्रोफाइल है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना थाउजेंड में है ये थर्टीन बिलियन नाइन सेवेंटी सेवन मिलियन टू हंड्रेड एटी थाउजेंड है शेयर्स इसके जनाब हैं अवेलेबल आपके पास नाइन हंड्रेड फिफ्टीन मिलियन नाइन थ्री एटी एट फ्री फ्लोट इसका टू सेवन फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू पॉइंट सेवन वन सिक्स फ्री फ्लोट थर्टी परसेंट इसका ये मतलब हुआ कि जो कंपनी है वो कॉर्नर्ड है फ्री फ्लोट बहुत थोड़ा है लोगों के पास है थोड़ा फाइनेंशियल पे आ जाएँ 2020 में कंपनी का टोटल इनकम जो था 9 बिलियन 56 मिलियन 560,000 था और उससे पहले जो 2019 में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी तो वो मैं नहीं फिगर कोट करता और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का 1.2 बिलियन 5 मिलियन एंड 7,000 eps देखिए कंपनी का बहुत लो है 1.32 यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये कंपनी जो है ना आपको देती कुछ नहीं है और eps ग्रोथ रेशियो इसका 238 है 0.46 और पेग इसका 0.10 जब पेग 0.10 आ गया तो इसका मतलब कंपनी देती खाती कुछ नहीं है देने दिलाने से बात आए इसका पे आउट देखिए मार्च 12 2021 में फाइनेंशियल रिजल्ट जो 31 12 2020 दो तो दो बीस का था 20 परसेंट प्रेफरेंस राइट शेयर दिया तो क्या फ़ायदा और फिर अगस्त 2015 मतलब पांच साल पहले इसने 20 परसेंट पास पार दिया तो मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि प्लीज अपना जो जेन है वो यहाँ से अखज़ कर लिया करें कि पे आउट्स क्या आ रहे हैं अब आए मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस पे देखिए जहांगीर सिद्गी कंपनी एक तरह का कॉर्नर कंपनी है और इसमें सट्टा बहुत होता है और सट्टा खुद ही जो है ना इसके मालकान कराते हैं क्योंकि शेयर का डाइल्यूशन फैक्टर कम है तो इस वास्ते बहुत कम लोगों के पास ये शेयर ट्रेड होता है क्या ये शेयर लेना चाहिए हाँ ये शेयर अगर दस रुपये से नीचे आए तो ले लीजिए और पंद्रह सोलह पे जाके फिर इसको आप सेल आउट करते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको नहीं रेकमेंड करता आपके पास अगर बेहतर ऑप्शन है वो ट्राई करें आई विल नॉट रिकमेंड जहांगीर सिद्दीकी कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती आरा से हम आगा, हमें आगा कीजिएगा इन एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे वसात नेचुरल नबीन वेरी बेटर विद